हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रजनीश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रियल के टेक। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि SBI में ऑनलाइन अकाउंट ओपन कैसे करते हैं। तो उसके लिए दो तरीके हैं, एक तो आप क्रोम ब्राउजर से डायरेक्ट कर सकते हैं और सेकेंड है कि आप जो योनो ऐप है SBI का, वहाँ से आप गूगल प्ले स्टोर से लोड करके आप वहाँ से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए, हम उसके लिए प्ले स्टोर पर योनो ऐप टाइप करके योनो ऐप डाउनलोड करते हैं। देखिए, ये जो लोगो है योनो SBI का, देखिए मैं इसको इंस्टॉल किया हूँ तो डायरेक्ट यहाँ से मैं ओपन करूँगा इसको अभी। तो यहाँ देखिए, इस टाइप से ओपन होकर आएगा। यहाँ पर लिख रहा है एक्सप्लोर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, ब्राउज शॉपिंग डिटेल्स एंड ओपन ए न्यू डिजिटल अकाउंट। तो ये दोनों आप पहले से SBI का कस्टमर है तो इसके आपके उसके लिए ये दोनों, आप अभी न्यू है कस्टमर तो यहाँ आप ओपन न्यू डिजिटल अकाउंट ओपन कर क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए डिजिटल सेविंग अकाउंट आएगा और इंस्टा सेविंग अकाउंट आएगा। इस दोनों में ज़्यादा कोई खास डिफरेंस नहीं है, थोड़ी थोड़ी डिफरेंस है। इसमें क्या है, डिजिटल सेविंग अकाउंट्स में पेपरलेस ओपनिंग होता है और सिंगल ब्रांच विजिट रिक्वायर होता है, इसमें कोई एक्सीडेंट इंश्योरेंस नहीं मिलता है। ठीक है, और इस इंस्टा सेविंग अकाउंट में क्या होता है, पेपरलेस अकाउंट ये भी होते हैं। ठीक है, इंस्टेंट अकाउंट एक्टिवेशन और इसमें क्या है, डेबिट कार्ड मिलते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि इंस्टेंट सेविंग अकाउंट में कि आपको आफ्टर वन ईयर के बाद ऑटोमेटिक रेगुलर सेविंग अकाउंट में ये कन्वर्ट हो जाता है। तो चलिए, मैं इंस्टा सेविंग अकाउंट ओपन करूँगा, इसके लिए अपना लॉग पर क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ अप्लाई न्यू क्लिक करेंगे। देखिए, इसमें लिख रहा है फॉर रेसिडेंट इंडियन इंडिविजुअल एबव 18 ईयर्स, इंडियन इंडिविजुअल होना चाहिए, सॉरी इंडिया का होना चाहिए और 18 साल उम्र होना चाहिए। ठीक है, और इससे क्या है, मैक्सिमम बैलेंस इन अकाउंट कैन बी ₹1 लाख। आप एक बार में कम से कम 1 लाख रुपये तक, मतलब कि इससे आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। और बोला है जस्ट कीप योर आधार एंड पैन कार्ड हैंडी, मतलब कि आधार कार्ड और पैन कार्ड होना आपके लिए कंपलसरी है। उसके बाद डिक्लेयर करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्लिक करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर और रेफरल कोड ये ऑप्शन ऑप्शनल है। ठीक है, इसमें आप ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना कंपलसरी है, ज़रूर देना है इसको। ठीक है, तो चलिए मैं ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दे देता हूँ। ठीक है, उसके बाद सबमिट क्लिक करेंगे। इसके बाद देखेंगे कि यहाँ इंटर OTP दे रहा है, तो एक मोबाइल नंबर पर आपके OTP जाएगा, वो OTP यहाँ डालेंगे, उसके बाद सबमिट क्लिक करेंगे। ठीक है, OTP डालने के बाद सबमिट क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ बोल रहा है प्लीज क्रिएट योर एप्लीकेशन पासवर्ड और री इंटर एप्लीकेशन पासवर्ड, मतलब कि दोनों में एक ही पासवर्ड डालना है। ठीक है, और कुछ एक सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें, जो भी आपका मतलब कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, कोई भी एक आप डालकर उसका आंसर लिख सकते हैं जो कि आपको फ्यूचर में हेल्पफुल हो। तो चलिए मैं इसके लिए फिलअप कर लेता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट पेज आएगा ये FTA CSER डिक्लेरेशन, आर यू लियेबल ऑफ टैक्स इंडिया ओनली नॉट इन एनी जुडिक्शन कंट्री और टेरिटरी, मतलब कि आप आउटसाइड ऑफ इंडिया के नहीं होने चाहिए। ठीक है, उसके उसके लिए एक यस क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है तो उसको एग्री करके नेक्स्ट क्लिक करेंगे। ये 6 स्टेप्स में ये फॉर्म कम्प्लीट होता है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में आपको स्कैन आधार कार्ड की डालना है या इंटर आधार नंबर डालना है, उसके बाद आप नेक्स्ट क्लिक करेंगे। तो मैं आधार नंबर डाल लेता हूँ, उसके बाद सबमिट क्लिक करेंगे। ठीक है, सबमिट क्लिक करने के बाद एक OTP आएगा मोबाइल पे, उस OTP को यहाँ पर डालेंगे। ठीक है, यहाँ देखेंगे हम सेकेंड पेज पर आ गए, यहाँ देख रहा है कि सिटी ऑफ बर्थ डालना है, कंट्री ऑफ बर्थ और सिटीजनशिप, आप जिस सिटी से भी हैं उस वहाँ का सिटी और नेशनलिटी डालना है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं सिटी ऑफ बर्थ डाल लेता हूँ, अहमदनगर। ठीक है, कंट्री ऑफ बर्थ इंडिया INDIA। ठीक है,
और ये सिटीजनशिप बोल रहा है अभी किस सिटी के हैं आप, तो टाइप ऑफ फिल्टर पुणे डाल लेता हूँ, ठीक है। नेशनलिटी बोल रहा है तो इंडियन, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ इतना भरने के बाद नेक्स्ट क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे फर्स्ट पेज पे आ गए फिर से, ठीक है। तो ये डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो मैं अहमदनगर सिलेक्ट कर लूँगा यहाँ पे, ठीक है। और ये सब डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है तो सब डिस्ट्रिक्ट यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे। इतना डिटेल्स डालने के बाद नेक्स्ट क्लिक करेंगे, ठीक है। वो गलत हो गए, ठीक है। तो यहाँ देखिए कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस मांग रहा है, मतलब कि जहाँ पे लोकल अकाउंट ओपन करना है वहाँ का एड्रेस डालना है। तो यहाँ का मैं एड्रेस डाल लेता हूँ, ठीक है। फ्लैट नंबर हो जाएगा, हाउस नंबर 146 एंड वासुली स्ट्रीट, लोकेलिटी चाकन मैं डाल लूँगा, और पिन कोड यहाँ का मैं डाल लूँगा, ठीक है। ये सिटी रॉन्ग ले रहा है, ठीक है। और ये डिस्ट्रिक्ट में चूज कर लूँगा यहाँ से, ठीक है। तो मैं पुणे सेलेक्ट करूँगा, और ये सब डिस्ट्रिक्ट है, सब डिस्ट्रिक्ट चूज करूँगा, सब डिस्ट्रिक्ट खेत हो जाएगा मेरा, ठीक है। और ये दे रहा है विलेज गांव, ठीक है। तो मैं विलेज गांव यहाँ से चूज कर लूँगा, चाकन, मैं वासुली सिलेक्ट कर लेता हूँ जाने। उसके बाद नेक्स्ट क्लिक करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद फिर से सेकेंड फॉर्म पर आ गए, फर्स्ट फॉर्म मेरा क्लिक क्लियर हो चुका है। उसके बाद इंटर योर पैन नंबर मांग रहा है, तो यहाँ पैन नंबर डालेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्लिक करेंगे, ठीक है। ठीक है, पैन नंबर डालने के बाद या पर्सनल डिटेल्स जो आधार कार्ड में आपका फोटो वो फोटो आ जाएगा, उसका नेक्स्ट क्लिक कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद थर्ड डिटेल्स पे आ जाएगा, ये एडिशनल डिटेल्स बोल रहा है इसमें डालने के लिए कुछ। तो आपके जो भी क्वालिफिकेशन है वो क्वालिफिकेशन डालेंगे। तो मैं जिनका अकाउंट ओपन कर रहा हूँ अभी बिलो SSC है, तो बिलो SSC डालूंगा, ठीक है। उसके बाद वो थर्ड स्टेप में फिर मांगेंगे एडिशनल डिटेल्स, मैरिटल स्टेटस है या सिंगल है या मैरिड या अदर्स है। तो ये मैरिड है तो मैरिड डालूंगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद फिर से ये एडिशनल डिटेल्स पूछेगा, अगर कोई मेडन नेम है तो मेडन नेम डालेंगे, ठीक है। फादर्स नेम डालना है या मदर्स नेम डालना है, ठीक है। तो मैं फादर्स नेम डाल लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और लास्ट नेम डाल लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मदर्स नेम डालना है, फिर यहाँ पे मैं मदर्स नेम डाल लेता हूँ। इतना फिलअप करने के बाद नेक्स्ट क्लिक करेंगे, फिर देखिए यहाँ पूछ रहा है आपकी एनुअल इनकम क्या है। तो एनुअल इनकम डालना है इनर 20,000 मतलब, और इनर 20,000 टू 50,000, ये जो इनकम है ईयरली होती है, ईयरली मांगती है कि आपकी ईयरली इनकम कितनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ 50,000 टू 1,00,000 डालूँगा, ठीक है। और ये पूछ रहा है कि एडिशनल एक्यूपेशन आप क्या करते हैं, सर्विस करते हैं, अदर्स करते हैं, बिजनेस करते हैं, या आपकी इसमें से कोई कैटेगराइज नहीं है। तो मैं यहाँ नॉट कैटेगराइज डालूँगा, ठीक है। और ये पूछ रहा है एडिशनल डिटेल्स, रिलीजन कौन सा है, हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम, सिख एंड अदर्स। तो मैं यहाँ क्रिश्चियन डालूँगा, ठीक है। यहाँ नॉमिनी डिटेल्स पूछा जा रहा है, यहाँ पूछ रहा है स्कैन नॉमिनी आधार कार्ड या फिर इंटर नॉमिनी डिटेल्स। तो मैं यहाँ इंटर नॉमिनी डिटेल्स क्लिक करूँगा, ठीक है, क्योंकि मुझे नॉमिनी डिटेल्स अभी डालने हैं यहाँ पे। तो मैं चलिए ये वीडियो को पॉज करके ये फिलअप कर लेता हूँ, इसको फिलअप करने के बाद नेक्स्ट क्लिक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद बोला है नॉमिनी एड्रेस सेम है एप्लीकेंट एड्रेस, तो सेम होगा तो सेम क्लिक करेंगे, उसके बाद ऑटोमेटिक ये ले लेगा, ठीक है।
ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्लिक करेंगे। ये बोल रहा है गार्जियन एड्रेस सेम एज नॉमिनी एड्रेस एंड गार्जियन सेम एज एप्लीकेंट एड्रेस, तो सेम कराने देंगे। ठीक है, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्लिक करेंगे फिलअप करने के। ये बोल रहा है बाय जीपीएस या बाय लोकेलिटी, बाय लोकेलिटी क्लिक करके नेक्स्ट क्लिक करेंगे। मतलब कि आपको होम ब्रांच आपको कौन सा डालना है लोकेलिटी नेम, तो मैं यहाँ चाकन डालूँगा। देखिए चाकन में यहाँ वो चाकखंड है जो बिहार में है, और ये चाकन है जो महाराष्ट्र में है, पुणे महाराष्ट्र, तो मैं ये सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद नेक्स्ट क्लिक करूँगा। इसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है तो इसको रीड कर लूँगा। उसके बाद कन्फर्म क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद बोल रहा है आई हेयर एग्री टू एस बी आई सबऑर्डिनेट्स एफिलिएट्स एजेंट्स कॉन्टेक्टिंग मी वेरियस अदर प्रोडक्ट्स अपडेट्स मार्केटिंग प्रमोशन, तो यस आई एम कन्फर्म, और उसके बाद नेक्स्ट क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ वी हैव सेंड ओटीपी मोबाइल नंबर, जो मोबाइल नंबर दिया है उससे फिर से एक ओटीपी आएगा वेरीफिकेशन करने के लिए, ओटीपी डालेंगे उसके बाद हम नेक्स्ट क्लिक करेंगे। तो मैं ओटीपी डाल लेता हूँ। ओटीपी डालने के बाद यहाँ नेक्स्ट क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ नेम आ गया। यहाँ बोल रहा है नेम शुड नॉट बी ग्रेटर देन 12, तो मैं चलिए नेम को बीच का फादर्स नेम हटा देता हूँ। ठीक है, अभी हो जाएगा, ले लेगा ये। उसके बाद नेक्स्ट क्लिक करेंगे। एक डेबिट कार्ड्स का डिटेल्स यहाँ मांगा गया था, कैन नॉट प्रोसेस नाउ प्लीज ट्राई अगर आफ्टर सम टाइम। ओके, यहाँ लिखा हुआ है नीचे यू विल गेट पर्सनलाइज्ड डेबिट कार्ड, यानी कि आपको 15 दिन के अंदर में आपको डेबिट कार्ड और ये जो भी पासवर्ड वगैरह है आपको पासबुक और चेकबुक आपके होम एड्रेस पे पहुँचा दिया जाएगा। उसके बाद डन क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पे एक यूजर नेम और पासवर्ड आया होगा, वहाँ से इसको हम यहाँ पे एग्जिस्टिंग कस्टमर वन टाइम रजिस्ट्रेशन को क्लिक करेंगे। ठीक है, और यहाँ लिख रहा है आई हैव इंटरनेट बैंकिंग आईडी रजिस्टर्ड मी फॉर योनो, तो ये इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे यूजर नेम और इंटर पासवर्ड मांगे, जो आपके मोबाइल नंबर पे इंटर यूजर नेम और पासवर्ड आया उसको डालने के बाद सबमिट क्लिक करेंगे। तो मैं चलिए इसको डाल लेता हूँ। तो आपके मोबाइल पर जो भी यूजर नेम और इंटर पासवर्ड बोल रहा है, जो पासवर्ड आपको मिला होगा, ठीक है, तो आपको किट आने के बाद जो भी आपको किट होंगे वो 15 दिन के अंदर में SBI के माध्यम से आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपके जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस दिए होंगे वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा लाइक करके जरूर बताइएगा और कमेंट भी कीजिएगा। और हाँ, अभी तक आपने वीडियो सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन है, उसको क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और एक चीज़ है कि आप मैंने मेरे पिछले वीडियो में जो एक्सिस बैंक का जो मैंने अकाउंट ओपनिंग का बताया था, उसमें भी आप एक्सिस बैंक के डायरेक्ट ऐप से भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। थैंक्स।